Hello everybody, so today I will talk about how I edit my latest drink b-roll, soft drink b-roll जो हाल फिलहाल जो मैंने बनाया था उसका मैंने बिहाइंड द सीन भी मैंने मेरे यूट्यूब पे रखा हुआ है, उसका मैंने कैसे एडिट किया हुआ है, जो सिंपल एडिटिंग किया हुआ है एंड उसमें जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैंने यूज़ किए, तो ये वीडियो आप अगर जो लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस टाइप से मैंने एडिट किया हुआ है एंड किस टाइप से आप भी वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, जो छोटी छोटी जो चीज़ होती है वो वीडियो में बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे ये वीडियो मेरा 15 से 16 सेकंड का होता है जो कॉमर्शियल बीरोल होता है, उसमें आप ऐसी कितनी चीज़ें आप छोटी छोटी जो ध्यान रख सकते हो एंड उस टाइप से आपका वीडियो और भी अच्छा एंड और भी बेहतर बन सकता है। सो लेट्स एडिटिंग का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। तो बैक टू डेस्कटॉप। ओके, तो ये हमारा पूरा टाइमलाइन है और ये हमारा प्रीव्यू वीडियो है। यहाँ पे हम आपको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जैसे फर्स्ट होता है यहाँ पे, ये SFX है, पूरा मेरा SFX है और ये मेरा मेन ऑडियो है, जो ये ऑडियो ये सब मैंने कैसे एडिट किया हुआ है, कैसे उसका साउंड जो नीचे मैंने रखा हुआ है उसका साउंड का कैसे मैंने इफेक्ट दिया हुआ है, उसमें कौन सा इफेक्ट देके आप थोड़ा ड्रामेटिक साउंड ऐड कर सकते हो। SFX आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कमर्शियल बीरोल होता है। मेरे बीरोल में मैंने यही चीज़ बोली है, उसका सारे कुछ मैंने एडिटिंग का ब्रेकडाउन भी किया हुआ है। अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने ऐसे काफ़ी सारे मैंने बीरोल बनाए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने सारे बीरोल का मैंने बिहाइंड द सीन भी एंड एडिटिंग का ब्रेकडाउन भी और टॉप से टॉप सीक्रेट भी मैंने बताया हुआ है। एंड सबसे फर्स्ट ये बात करते हैं, ये मेरा फर्स्ट शॉट है, ये मेरी फर्स्ट क्लिप का फर्स्ट शॉट है एंड ये तो सबसे पहले हम ये मेन साउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मेन साउंड ऑफ कर देंगे ताकि जो मैंने SFX रखा है वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये मेरा मेन साउंड है। ओके, ये मेरा फर्स्ट क्लिप है एंड ये मेरा सेकंड क्लिप है। तो ये यहाँ पे ये मैंने मेरा बैकग्राउंड रखा हुआ है। सो यहाँ पे ये जो क्लिप है वो मेरा मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ है एंड ये बैकग्राउंड भी आप वेबसाइट पे से अच्छा क्वालिटी वॉलपेपर जैसा बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो बैकग्राउंड वीडियो है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है एंड उसके ऊपर जो ये मेरा 3 ग्रीन स्क्रीन है, ये मेरा बॉटल का 3 ग्रीन स्क्रीन है। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा दूँ, ये अल्ट्रा की डाला हुआ है एंड देन ये मेरा ग्रीन स्क्रीन है। ये तीनों तीन बॉटल को मैंने ग्रीन स्क्रीन में शूट करा है, जो राउंडेड घूमती है, जो मेरा आपको बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हो। वही ये 360 मशीन है, उस पर ये बॉटल रख के मैंने तीनों तीन का ग्रीन स्क्रीन मैंने डाउनलोड कर दिया है एंड ये ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड होने के बाद आप इस टाइप की एडिटिंग की प्रोसेस कर सकते हो ताकि आपका बॉटल फ्री हो जाए एंड आप ये ग्रीन स्क्रीन वाली सिर्फ आपकी बॉटल रह जाए एंड देन ये तीनों तीन का मैंने ये ग्रीन स्क्रीन हटा दिया है एंड Ctrl+Z एंड देन ये नेक्स्ट प्रोसेस, ये नेक्स्ट है मेरा। यहाँ पे ये मैंने इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैंने एडिटिंग में कैसे करी हुई है, लेट्स स्टार्ट टू। जैसे कि ये मेरा ग्रीन स्क्रीन का शॉट है, जो ये जो आपको दिख रहा है ये जो टीन है वो पूरा मैंने ग्रीन स्क्रीन में यूज़ किया है और बैकग्राउंड में मैंने हाथ से एक्शन की हुई है एंड ये ओरिजिनल है, यह पूरा ग्रीन स्क्रीन है और यहाँ से बीच में ये ग्लिच डाला हुआ है, जो इफेक्ट है ग्लिच है, जो ये बॉरिस का इफेक्ट है। यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये वीडियो ट्रांसफर एंड ये BCC बॉरिस का इफेक्ट है। वो इफेक्ट आप गूगल पे सर्च मारिए बॉरिस इफेक्ट डाउनलोड, तो वहीं से आपको लिंक मिल जाएगी नीचे कोई भी डाउनलोड पे, वहीं से आप डाउनलोड करके इस टाइप का छोटा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, जो पेड होता है, उस टाइप का ये बॉरिस का ट्रांजेक्शन होता है, उसे आप अच्छे से और ट्रांजेक्शन वाली क्लिप बना सकते हो एंड यहाँ से ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वाला जो ये रिमझिम का टीन है और यहाँ से ग्लिच होके ये रॉजर्स का बन गया एंड देन ये रॉजर्स का हो गया और बैकग्राउंड में ये मैंने मेरी फुटेज है, जो ओरिजिनल फुटेज है, जो रो फुटेज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्शन की हुई है एंड देन ये थम्सअप वाला टीन लेके ये ओरिजिनल फुटेज एंड ये सेकंड इमेज, यहाँ से ये मैंने इफेक्ट रखी हुई है। इसको 120% जूम किया हुआ है एंड ये ओपासिटी उसका थोड़ा कम किया हुआ है, देन इस टाइप की ग्लिच वाली इफेक्ट बन सकती है एंड ये हाथ में एंड यहाँ पे ये साउंड SFX एंड यहाँ पे ये मेरा डिटेलिंग वाला शॉट है और ये डिटेलिंग वाला शॉट मैंने इस टाइप से लिया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये मेरा डिटेलिंग वाला शॉट है। ओके, देन ये नेक्स्ट शॉट,
ये नेक्स्ट शॉट यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये मैंने ग्लिच इफेक्ट डाली हुई है, जैसे कि यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये मेरी इफेक्ट है, प्ले करके भी ये इस टाइप से। एंड बैकग्राउंड में जस्ट सिंपल ये मैंने टच कर रहा है, यहाँ से कट बिट मार के ये राउंड घुमा रहा है, और ये जो इमेज है वो यही इमेज का कॉपी मार के इधर थोड़ा लगाया हुआ है, एंड देन ये यहाँ से ये साउंड ऐसा फक्स रखा हुआ है, जो थोड़ा बीच में ब्लैक रखा हुआ, जैसे कि एक ड्रामेटिक बना सके, जैसे कि पकड़ के ये कट बिट पे ये शॉट है, ये शॉट है, एंड देन ये छोटे छोटे जो मैं डिटेल आपको बोल रहा था। ओके, साउंड क्लियर आने के लिए थोड़ा फैन बैन ऑफ करा है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, ये छोटी छोटी जो डिटेल होते हैं, जो छोटे छोटे शॉट होता है, वो आपको कैसा ये छोटी से एडवर्टाइज में आपको कितना इम्पेक्ट करता है। जैसे कि ये माइनर शॉट है, ये आप देख सकते हो, ये शॉट एंड ये शॉट, ये कट बिट पे गुप 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 सारे शॉट मैंने कट बिट पे रखा है, जैसे कि टक टक टक, जैसे कि यहाँ से आप ये देख सकते हो, एंड देन ये शॉट, जो ये शॉट है, जो ये शॉट है, उसी का कॉपी यहाँ पे लगाया, एंड उसी का कॉपी यहाँ पे लगाया। ये तीन शॉट मैंने थोड़ी डिटेलिंग लिए थे, वो तीन अलग अलग जगह पे रखे, जिसे एक साथ रखूंगा तो उसका बोरिंग लगेगा, इसलिए ये पहले शॉट एक डिटेल वाला रखा है, उसके बीच में थोड़ा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, एंड फिर से ये शॉट रखा हुआ है, फिर से वो प्लग खोल के जो टिन खुल रहा है, एंड फिर से ये डिटेलिंग शॉट रखे, जैसे कि आपको एक एड में एक साथ सिमिलर जो तीन शॉट रखोगे तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए आप ये इस टाइप से कटिंग करके अलग अलग जगह पे दिखा सकते हो। जो शॉट एक ही है पर मैंने दिखाया अलग अलग जगह पे, उसी को बोलते हैं थोड़ा ड्रामेटिक एडिटिंग, जैसे कि साउंड भी थोड़ा ड्रामेटिक होता है, एंड इस तरह फुटेज भी थोड़ा ड्रामेटिक होता है, तो आपको अच्छे से भी लगता है जो एड जो बनाया हुआ है। देन ये एंड ये शॉट, जैसे कि ये शॉट थोड़ा जूमिंग किया हुआ है, एंड यहाँ पे ये इफेक्ट डाली हुई है, जैसे कि उसको लाइट लैग बोलते हैं, ये लाइट लैग इफेक्ट डाली हुई है, एंड देन बैकग्राउंड में ये मेरा इमेज है, एंड देन ये, और ये पार्टिकल मैंने पूरा आफ्टर इफेक्ट से बनाया हुआ है। एंड इस टाइप का अगर जो आपको पार्टिकल अगर जो पसंद है, अगर जो आपको बनाना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम में मेरे को DM भी कर सकते हो, तो फिर इसके बारे में भी एक प्राइवेट में एक वीडियो बनाऊंगा। सो इस टाइप से आप बना सकते हो, एंड ये पूरा एडिटिंग का प्रोसेस यहाँ पे ये देख लीजिए, अब पूरी सारी जगह पे जो SFX लगाए हुए हैं, वो पूरा ये एडिटिंग का प्रोग्राम, जो पूरा टाइमलाइन सेट मैं यहीं पे फिर से मैं रख दूंगा, जो ऊपर वीडियो चलेगा, नीचे ओनली ऑन SFX चलेगा, जो वीडियो के एंड में मैं वो भी डाल दूंगा। तो आई होप कि इस टाइप का अगर जो वीडियो आपको पसंद है तो मेरे को लाइक कर लीजिए, अगर जो नहीं पसंद है तो मेरे को डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड इस टाइप का अगर जो एडिटिंग का ब्रेकडाउन अगर जो आपको पसंद है, एंड आप इजी और फास्ट सीखना चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे मैं यही एडिटिंग का बैक ऊपर का वीडियो और उसके नीचे एडिटिंग का ब्रेकडाउन करके मैं वहीं पे भी मैं क्लिप रख लूँ, उसका बेहिंदर सीन भी मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है इस टाइप से। तो अगर जो आप फास्ट सीखना चाहते हो, एंड अगर जो आप पहले से अच्छे से एडिटर हो, तो आप मेरा ये वीडियो देख के भी आप इंस्टाग्राम से अच्छे से एंड अच्छे से समझ पाते हो कि ये किस टाइप से एडिट किया हुआ है। अगर जो आपको बिगिनर नहीं हो, अगर आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा ये पूरा वीडियो का एडिटिंग का ब्रेकडाउन आप देख सकते हो, तो इसी टाइप से अगर ये वीडियो मैंने एडिटिंग करा हुआ है। आई होप कि इस टाइप का अगर जो वीडियो आपको एडिटिंग का पसंद हो, तो मेरे को लाइक कर लीजिए, एंड दैट्स वी अप्रिशिएट। सो आई होप कि आपको वो चीज़ भी पसंद आए, एंड या थैंक यू, बाय।